जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? आपने लास्ट टाइम जो मैंने आपको काम करवाया था फेसबुक पेज क्रिएट करना और उसकी सेटिंग करना, आप लोगों ने कर लिया? और इसके अलावा कुछ न्यू स्टूडेंट्स थे जिनका प्रोफाइल भी अभी फेसबुक का नहीं बना हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा था तो अपना प्रोफाइल जो है ना वो क्रिएट कर लें अभी, और 1 वीक के बाद वो पेज क्रिएट करेंगे। तो उनमें वो स्टूडेंट्स जिनके प्रोफाइल्स नहीं बने हुए थे उन्होंने प्रोफाइल्स क्रिएट कर ली है। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब प्रोफाइल क्रिएट किए हैं, पहले नहीं बने हुए थे, और जिन स्टूडेंट्स ने अपने पेज क्रिएट कर लिए हैं क्योंकि उनके पहले प्रोफाइल्स बने हुए थे और पेज की सेटिंग्स भी कर ली हैं, वो भी मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ओके, किन्जा ने बना लिया प्रोफाइल। तो किन्जा, मैंने आपसे कहा था कि प्रोफाइल बनाने के बाद आपने एक्टिव रहना प्रोफाइल पे, दूसरे लोगों के प्रोफाइल्स जो है जो पेजेस हैं उनको लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स वगैरह करें उनके पोस्ट पर, खुद भी अपने पेज पे पोस्ट करें कुछ कंटेंट अच्छा। तो आपने ये भी किया है या जस्ट प्रोफाइल क्रिएट ही किया है? ओके, नहीं, मैं ये सब कुछ कर लिया। वेरी गुड। चले, अब आपने जस्ट 1 वीक वेट करना, उसके बाद आपने पेज क्रिएट कर लेना, और जैसे मैंने आपको सेटिंग बताई है ना, आपने पूरी सेटिंग भी वैसे ही कर लेनी है। लेकिन तब तक ये है कि आपने फ्री नहीं रहना कि मुझे 1 वीक के बाद ही मैं सारा ही काम तब करूंगी। आपको जैसे मैं पोस्ट डिजाइन करना बताऊंगी ना, तो आपने पोस्ट वगैरह अच्छी डिजाइन करके अपने पास रख लेनी है कैनवा पे, ठीक है? और जब 1 वीक के बाद आप पेज क्रिएट करेंगे तो आपने साथ ही अपनी पोस्ट भी इसके ऊपर कर लेनी है, ठीक है? क्योंकि हमारा जस्ट पेज क्रिएट करना काम नहीं है, बल्कि उस पेज पे एक्टिव रहना भी हमारा जो है ना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उस पर एक्टिव रहेंगे, अच्छा कंटेंट भी हम अपलोड करेंगे, तो ही जो नहीं, हमारे है ना ऑडियंस हमारे पेज की वो इंगेज रहेगी हमारे साथ, वो जो है ना, ये नहीं कि कुछ लोग जो होते हैं वो अगर आप उस पेज को फॉलो कर रहे हैं और आप उसके ऊपर अच्छा कंटेंट ही नहीं अपलोड कर रहे हैं ना, तो वो अनफॉलो भी तो आपको कर सकते हैं ना। तो आपको चाहिए कि आप रोज अच्छा कंटेंट भी अपलोड करते रहें। सना ने भी अभी प्रोफाइल बनाई है और अनम ने भी प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। चलिए, वेरी गुड। आई थिंक मैं 3 स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने मुझे कहा था कि अभी हमारी प्रोफाइल नहीं बनी, तो उन्होंने बना ली है। चलें, अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी सेटिंग्स जो है वो पेज की पूरी कर ली है। सिर्फ माहीन ने मुझे पेज की सेटिंग करके अपने पेज जो है ना उसका लिंक भी सेंड किया था चेक करने के लिए, और बाकी मुझे किसी स्टूडेंट ने नहीं अभी तक सेंड किया अपना लिंक। मैंने आपको बताया था कि आप लोग के जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ ना, इनके भी मार्क्स हैं, और इन मार्क्स की बेसिस पे आपको एंड में सर्टिफिकेट मिलेगा। और सेकंड थिंग ये है कि आप यहाँ पे सीखने आए हैं, अगर तो आप लोग साथ साथ काम करेंगे ना तो भी आपको नेक्स्ट वर्क भी इजीली समझ आ जाएगा, आप नेक्स्ट वर्क भी इजीली कर पाओगे। अगर आपने पिछला ही काम नहीं किया हुआ ना तो नेक्स्ट वर्क आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब मैं आपको एक काम करवाऊँ तो आपके पास वीक पूरा वीक होता है ऑलमोस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो उस वीक में ना आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किया करें, उस काम को पूरा करके आया करें, ठीक है? जब अपना काम कंप्लीट कर लेंगे ना फिर ही आपको नेक्स्ट काम करने में जो है ना आसानी भी होगी, समझ भी आ जाएगी। ओके, चले अब मैं ना स्टार्ट करती हूँ लेक्चर आज का। अच्छा, मैंने आपको पहले लास्ट टाइम फेसबुक पेज बनाना भी सिखा दिया था, उसकी सेटिंग्स भी सिखा दी थी, तो मैंने कुछ आपको टिप्स देनी थी उसके बारे में, पेज के बारे में, जिससे आपका पेज अच्छा ग्रो करे, ठीक है? तो आपने ना कभी भी इससे फ्री में फॉलोइंग्स और लाइक्स नहीं लेने, ठीक है? हम कुछ जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमने पेज क्रिएट किया, हम अपने जो है ना हमें हमारी कोशिश होती है कि बस किसी तरह से फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। तो अब हो सकता है कि जिन लोगों को हम फॉलो करने को कहें उन्हें हमारे कंटेंट में कोई मतलब पेज में के कंटेंट में ना इतना इंटरेस्ट ही ना हो, तो अगर हम हमारा पेज क्लोथिंग से रिलेटेड है और हम उन लोगों से अपने पेज को फॉलो या लाइक करवा रहे हैं जो क्लोथिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्लोथिंग क्लोज को न्यू क्लोज को वो के पेजेस को ना तो देखते हैं ना इनको फॉलो करते हैं ना लाइक करते हैं, तो आपको उन लोगों से अगर आपने फॉलोइंग या लाइक्स ले भी लिए तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पेज के ऊपर उसके थ्रू कोई भी इंगेजमेंट्स नहीं आएंगी, कोई न्यू लाइक्स वगैरह नहीं आएंगे, वो आपके पोस्ट के ऊपर ना तो लाइक करेंगे ना आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट्स करेंगे अच्छे। तो अगर फेसबुक जो है ना वो ये देखता है कि इस टाइम इस पेज के जो फॉलोअर्स है ना वो किस टाइप के हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में, उन लोगों का एज ग्रुप क्या है और उनके जेंडर क्या है, ठीक है? तो जिस टाइप की पहले से ऑडियंस आपके पेज को लाइक कर रही है ना उसी टाइप की ऑडियंस तक फेसबुक आपका कंटेंट वो भी पहुंचाता है, ठीक है? तो अगर पहले जो लोग आपके पेज को फॉलो जो कर रहे हैं वो पहले ही आपके पेज की किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं कर रहे, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे, और फेसबुक उसी टाइप के लोगों को ही आपकी पोस्ट को शो करेगा, तो फिर आपकी जो न्यू न्यू ऑडियंस भी आएगी
जिन्होंने वो आपका जो पेज फॉलो किया उसके आने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो भी आपके पेज के ऊपर कुछ ना तो लाइक्स करेंगे और पोस्ट को ना ही कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो अगर तो वो लोग जिन्हें इंटरेस्ट होता है ना आपके बिजनेस में, आप उन लोगों से फॉलोइंग्स लें, ठीक है। तो इसका मैं आपको मेथड बताऊंगी कि आपने कैसे वो वाली ऑडियंस को टारगेट करना है जिनको कि इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, ठीक है। तो जब आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है या आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट है ना, तो वो जो आपके पेज को फॉलो करेंगे तो वो जो है ना टाइम टू टाइम आपके पेज की जो पोस्ट आ रही होंगी उनको लाइक भी करते रहेंगे, उनको उनके ऊपर कमेंट्स भी करेंगे। तो ये वॉर्म ऑडियंस होगी। वॉर्म ऑडियंस ऐसी ऑडियंस होती है जो आपको इंगेजमेंट देती है, आपके पेज के ऊपर लाइक्स या फॉलोइंग्स दे रही होती है। अब ये जो लाइक्स या फॉलोइंग्स है ना, इसका हमें फायदा क्या होता है कि जब हमारा न्यू बिजनेस है ना, कि हमारे ब्रांड को कोई भी जानता ही नहीं है अभी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने। अब हम जब नए लोगों तक अपना पेज जो है ना नए लोगों को शो करवा रहे होते हैं, ऐड ऐड के थ्रू भी शो करवाते हैं हम, तो अगर तुम्हारे पेज पे पहले से फॉलोइंग्स वगैरह हैं, लाइक्स हैं, तो लोग देखते हैं कि इनका पेज जो है काफी एक्टिव है, इसके पर जो लोग हैं वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो पेज जो है ना उसकी लोगों के लिए ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो फिर वो लोग उस पेज को सीरियस भी ले रहे होते हैं, कि आप बिजनेस को भी सीरियस लेते हैं कि ये जो लोग हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी जो चीज है, जो ये सेल कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी ही होगी, क्योंकि पहले से काफी लोग इसको लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा असल पर्पज लाइक्स लेने का या कमेंट्स लेने का ये होता है कि हमारे जो पेज है ना उसके पर लोग जो है ना ज्यादा ट्रस्ट करें, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या मेथड है कि हम जो ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें जो कि हमारे कंटेंट हमारे जो पेज है उसके पर जो हम ब्रांड प्रमोट करें उस ब्रांड में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक ना टिप देती हूँ, मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ फेसबुक की, फिर मैं आपको इसके बारे में एक टिप बताती हूँ, ठीक है। अब बताइएगा आपको मेरी फेसबुक की स्क्रीन शेयर हो रही है, ये स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए स्क्रीन शेयर हो रही है फेसबुक की आपको मेरी, ओके ठीक है। अच्छा अब ये देखिए आपने अपना ना पेज ओपन कर लेना, जिस पेज के ऊपर आप हम सेटिंग कर रहे हैं ना, जब भी हमने न्यू क्रिएट किया पेज अपने बिजनेस का या अपनी सर्विसेज का, ठीक है। वो पेज ओपन करके आपने देखना ये लेफ्ट साइड कुछ ऑप्शंस आ रही है, इसमें एक एड सेंटर की ऑप्शन है, एड सेंटर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी जल्दी से ओपन करें इसे और ना एड सेंटर पे क्लिक करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ आगे क्या करें। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे ना राइट साइड पे टूल्स के नीचे लिखा हुआ है योर प्रेफरेंसेस, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे ना ये आ रहा है ऑडियंस इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ना इंटरेस्ट सेट करना है कि हम किस टाइप की ऑडियंस को अपने पेज की पोस्ट या पेज के ऊपर जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जिन लोगों को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, हम ये फेसबुक में नोट कर रहा होता है, लोगों की एक्टिविटी को नोट कर रहा होता है कि लोग किस टाइप के पेजेस को लाइक कर रहे हैं या किस टाइप के पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, फॉलो किस टाइप के पेजेस को कर रहे हैं, ठीक है। तो फेसबुक सब जो यूजर्स होते हैं ना उनके बिहेवियर को नोट डाउन कर रहा होता है। तो अब जैसे आपने देखा होगा फीमेल्स मोस्टली जो होती है ना, वो जो फीमेल क्लोथिंग होती है उसके पेजेस को बहुत ज्यादा फॉलो भी कर रही होती है, उनके पोस्ट को लाइक भी कर रही होती है, चाहे वो परचेज करें या ना करें ना, लेकिन वो जो है ना लाइक करती हैं और डेली उनको देख भी रही होती है उनके पोस्ट को, और उनको लाइक कर रही होती है, कमेंट भी कर रही होती है, ठीक है। तो अब फेसबुक नोट डाउन कर लेता कि ये जो है ना लोग ये इस टाइप के पेजेस को ज्यादा लाइक कर रहे हैं, इनकी पोस्ट को ज्यादा फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ जैसे मेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्यादा जो है ना वो पसंद भी करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो पेजेस है ना उनको ज्यादा वो फॉलो करते हैं, उनको रोजाना देखते भी हैं और उनको लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट्स भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फेसबुक ने उनके भी बिहेवियर को नोट डाउन कर लिया, उनके इस इंटरेस्ट को नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जिस टाइप का पेज है ना हम उस टाइप के इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का एक पेज बनाया था, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगी कि जो मेरी पोस्ट है ना वो उन लोगों को शो हो जिनको एडवर्टाइजिंग में कुछ इंटरेस्ट है या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, यानी जो इस टाइप के पेजेस को देख रहे हैं या इस टाइप के पोस्ट को पहले से ही देख रहे हैं, ठीक है। तो जब वो लोग जिनको पहले से इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो मेरी पोस्ट को देखेंगे तो जाहिर है मेरी पोस्ट को भी लाइक करेंगे, इस पर भी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह मेरे पेज की भी जो इंगेजमेंट है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब मेरे पेज पे ज़्यादा इंगेजमेंट आएगी, ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो कोई न्यू भी जो
ऑडियंस आएगी ना, वो भी देखेगी कि इस पेज के पर पहले से लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, तो वो उसको ये लगेगा कि मेरी जो एजेंसी है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो मेरे से सर्विसेज लेना भी चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड करूंगी कि वो लोग जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिमिट है कि आप 10 इंटरेस्ट आप ना कम से कम ऐड कर सकते हो। ठीक है, कम से कम नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 जो है ना वो इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो। तो मैं एक तो लिख देती हूँ यहाँ पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा मैं देखिए मैं लिख रही हूँ ना, तो ये नीचे खुद से कुछ इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो आप चाहें तो ये हाफ लिख के बाकी इसमें से कुछ भी चूज कर लें। जैसे मैंने सोशल मीडिया लिखा तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, मैंने ये चूज कर लिया। ठीक, इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी हम लिख सकते हैं। अच्छा देखें, जरूरी नहीं कि हर इंटरेस्ट जो हम यहाँ पे लिखे ना वो यहाँ पे नीचे भी शो हो जाए। ये कुछ फेसबुक ने जो इंटरेस्ट सेव किए हुए हैं ना पहले से, हम उनमें से ही कुछ चूज कर सकते हैं। अगर तो आपने कोई वर्ड लिखा और वो नीचे नहीं आ रहा ना, तो फिर आप उसको चेंज कर। मैं ऑनलाइन मार्केटिंग देखती है कि नहीं, ये देखना ऑनलाइन मार्केटिंग आ रहा है या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये भी अच्छा इंटरेस्ट है, तो मैं ये कर देती हूँ। इसके अलावा देखिए, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि आपकी एड लोगों की सिर्फ एड्स रन नहीं कर रही होती, वो लोगों को वेबसाइट्स भी बनाकर दे रही होती हैं। इसके अलावा उन्हें उनकी प्रोडक्ट्स के अच्छे डिजाइन जो है ना, इमेजेस बना के अच्छे डिजाइन बनाकर भी दे रही होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट में जिनको इंटरेस्ट है, हम उनको भी वो भी ऐड कर देते हैं। वेब डेवलपमेंट आ गया, इसके अलावा वेब डिजाइन देख सकते हैं, वेब डिजाइन भी आ गया, और ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, चलिए जल्दी जल्दी हम मीटिंग क्लिक करते हैं। ठीक है, और एड्स भी कर सकते हैं हम, कि जिनका एड्स में इंटरेस्ट है, या फिर गूगल एड्स भी रन करती हैं एजेंसीज। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 कोई भी इंटरेस्ट जो है ना अपने ऑडियंस से रिलेटेड वो ऐड कर दिए। मेरे अब 9 हो गए हैं, मैं एक और ऐड कर देती हूँ कोई। ये देखिए, ब्रांड बनाने में भी मत हेल्प करती हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, तो इसलिए मैंने ये ब्रांड को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो अगर हम यहाँ से अपने इंटरेस्ट को सेव अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट को चूज कर लेते हैं ना, तो हमारी हर जो पोस्ट है ना वो इसी टाइप की ऑडियंस तक फेसबुक लेकर को शो करवाएगा, जिसके ये इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, तो हमारी पोस्ट है वो रेलिवेंट ऑडियंस तक जाएगी, तो इस तरह से वो ऑडियंस जो पहले से इस टाइप के कंटेंट को देख रही है और लाइक कर रही है, फॉलो कर रही है, तो फिर जाहिर है कि वो हमारे, अगर हम अच्छा कंटेंट अपलोड करेंगे तो हमारे कंटेंट को भी लाइक और फॉलो करेगी। ठीक है, ओके, इसको आपने सबमिट कर देना, तो ये सेव हो जाएगी आपकी सेटिंग। अब आप लोग भी जल्दी से कर लीजिए ये सेटिंग, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बता। आप लोग ये सेटिंग जब करें, तो आप जब इंटरेस्ट इंक्लूड कर लेंगे ना, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं देखूं कि आपने सही किया। 3 मिनट्स हैं आपके पास, जल्दी से कीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जैसे मीटिंग का ना ऑलमोस्ट 7 मिनट्स रह गए हैं। ठीक है, ये मीटिंग खत्म होगी, सेवन नेक्स्ट लिंक सेंड करने में 5 मिनट्स लगेंगे, तो उन 5 मिनट्स में ना आप अपनी सेटिंग करके तो मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा, उतनी देर में आपको आगे थोड़ा सा पढ़ा समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए। अच्छा एक और आपके लिए मैंने ये टिप है कि आप ना जो अपना कंटेंट है ना, आपने डेली जब अपना पेज बना लिया, आपने डेली ना कंटेंट अपलोड करना है, मॉर्निंग में भी करें और इवनिंग में भी, 2 टाइम तो आप स्टार्टिंग में जरूर करें कंटेंट में। बाद में चाहे आप मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा दें, एक दिन में आप 2 टाइम से ज्यादा भी पोस्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं ना होता, तो इतनी ज्यादा पोस्ट हमसे क्रिएट नहीं हो रही होती। तो लेकिन आपने फिर भी एटलीस्ट डे में ना 2 पोस्ट जरूर करनी है, एक मॉर्निंग में करनी है और एक इवनिंग में करनी है, ताकि आप अपने जो ऑडियंस है ना उसको इंगेज रखें, उससे अच्छा कंटेंट देंगे तो वो इंगेज रहेगी। ठीक है, और आपके ब्रांड में इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा आपका। और जो कंटेंट है ना वो आप हम नेट से ले सकते हैं या नहीं, तो फेसबुक के ऊपर अगर तो आप ये नेट से लिया हुआ कोई कंटेंट करते हैं ना पोस्ट, तो फेसबुक कॉपीराइट को कोई इश्यू क्रिएट नहीं करता, लेकिन उस कंटेंट पे आप एड रन नहीं कर सकते जो आपने फेसबुक से लेकर लगाया। ठीक है, और ना ही आप उस कंटेंट पे अपने पेज को मोनेटाइज करने के लिए ट्राई कर सकते हो, तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप नेट से कोई कंटेंट ना लें, बल्कि अपना न्यू कंटेंट प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो अगर तो आपका
कंटेंट आप फॉर एग्जाम्पल हमने नेट से कुछ लिया भी है ना, तो उसको आप कैनवा पे रीडिजाइन करें और उसको कुछ न्यू दें और फिर उसको पोस्ट करें फेसबुक पे, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आप वीडियोस भी बना रहे हैं तो जैसे अगर आप खुद उसमें बोल सकते हैं तो वो तो बेस्ट है, और क्योंकि उससे ऑडियंस जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होती है। और अगर आप खुद से कुछ अपना नहीं कर रहे, किसी और का से करवा सकते हैं, ठीक है, बजाय इससे कि आप इसके कि आप किसी और का की वीडियोस देके वो अपलोड करें। उससे बेहतर ये है कि या तो खुद बोल के अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड करें या किसी से बनवा के पोस्ट फिर अपलोड कर दें, ठीक है। ओके, इसके बाद ना अब हमने फेसबुक के ऊपर पोस्ट कैसे करनी हमने ये सीख ली। तो पोस्ट करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी ना एक पोस्ट के ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे, लेकिन हमारी क्लास खत्म हो गई थी तो मैंने पोस्ट डिजाइन नहीं कर पाए थे हम, लेकिन आज हम इंशाल्लाह पोस्ट को डिजाइन करेंगे क्लास में, और आप लोग भी साथ साथ अपनी पोस्ट डिजाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो पोस्ट है ना इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इसमें हमने 2 लाइंस अपनी सर्विसेज या अपने ब्रांड के बारे में इंक्लूड करनी होती है, और हम तो 2 लाइंस को कहते हैं कोट, ठीक है। जो कोट है ना वो 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि इतना लंबा टेक्स्ट आप रीड आउट करेंगे, तो आपने शॉर्ट रखना है 2 लाइन्स का। और उस जो अपना कोट है ना उसके फॉन्ट को बहुत अच्छा सा स्टाइलिश सा रखना है ताकि लोग उनको देखने में अट्रैक्टिव फील हो वो, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ इमोजीज भी एंटर करनी है, यानी कुछ अच्छी इमोजीज इसको देख के लोगों को अच्छी फीलिंग करें, ठीक है। जब हम अपना कोट एंटर कर देते हैं तो अपने बिजनेस के बारे में कुछ लाइंस आपने एंटर कर दी और इमोजीज एंटर कर दी, उसके बाद आपने अपना वेबसाइट या स्टोर का लिंक देना होता है, ठीक है। तो वो वेबसाइट या स्टोर का लिंक हम क्यों देते हैं, क्योंकि जो हमारी पोस्ट है ना हम उसके ऊपर एड्स लगा रहे होते हैं, तो एड जब किसी को भी शो होती है ना तो वो एड के ऊपर अगर तो उसको अच्छी लगे ना तो उस एड पे क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद जो ऑडियंस है उसने कहाँ पे जाना है हमने वो डेस्टिनेशन बतानी होती है, तो वो डेस्टिनेशन हमारी वेबसाइट भी हो सकती है और हमारे स्टोर का लिंक भी हो सकता है, वो स्टोर आपका शॉपिफाई का स्टोर हो सकता है या दराज का कोई भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो आपने उनका वेबसाइट का लिंक या फिर अपने स्टोर का लिंक मेंशन करना है, और थर्डली आपने अपना फोन नंबर मेंशन करना है। फोन नंबर क्यों हमने मेंशन करना होता है कि सम टाइम जो होता है ना कि कुछ लोग हमारी ऐड देखते हैं लेकिन ना उनके पास वो वेबसाइट को विजिट नहीं करना चाहते बल्कि वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके तो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हम फोन नंबर मेंशन कर देंगे कि अगर वो वेबसाइट को नहीं विजिट करना चाह रहे तो वो डायरेक्टली हमें कॉल करें और हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले लें हमारे ब्रांड के बारे में या हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक। अच्छा, और जो लास्ट में फोन नंबर के बाद आपने ना कुछ हैशटैग्स इंक्लूड करने होते हैं। ये हैशटैग्स क्या होता है कि लोग किन वर्ड से फेसबुक के ऊपर कुछ भी सर्च आउट कर रहे होते हैं, हमने अपने ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड्स एंटर करने होते हैं कि लोग हमारे ब्रांड से रेलिवेंट चीजें सर्च करने के लिए, ये पोस्ट कोई भी मटेरियल सर्च कर रहे हैं, कंटेंट सर्च कर रहे हैं, तो वो कैसे कीवर्ड्स को एंटर कर रहे हैं। अगर हम वैसे कीवर्ड्स अपने पोस्ट में भी ऐड कर देंगे तो फेसबुक जब कोई भी ऐसे कीवर्ड को सर्च करेगा तो फेसबुक उन्हें हमारी पोस्ट भी उनके सर्च रिजल्ट में शो करवा देगा, ठीक है। और लास्ट में हमने इमेज एंटर करना है या वीडियो इमेज अपना अपलोड कर देना है या वीडियो अपलोड कर देनी है अपने जो भी आप पोस्ट बना रहे हैं उससे रेलेवेंट, ठीक है। तो अब क्लास खत्म का जो ये मीटिंग का टाइम है ये खत्म होने लगे, जस्ट 1 मिनट रह गया, तो मैं लीव कर रही हूँ, फिर मैं आपको 5 मिनट में इंशाल्लाह न्यू मीटिंग का लिंक सेंड करती हूँ, ठीक है। जी, अब हम फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट को खुद से डिजाइन करेंगे, ठीक है। अपनों को आवाज आ रही है ना मेरे? यस मिस। ओके, अब आप जैसे नॉर्मली जब फेसबुक पे पोस्ट डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे अब वर्ड्स ऑन योर माइंड यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो अभी हम यहीं पे क्लिक करेंगे। जस्ट हमने जो मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए हैं ना पोस्ट के,
हमने वो पार्ट्स जो है ना वो पूरे कर लिए अपने, ताकि हमारी पोस्ट जो है वो अच्छी डिजाइन हो, और जो हमारी टारगेट जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं हमारी कोर्स के मटेरियल में या कंटेंट में, उन लोगों को वो पोस्ट शो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ऊपर 2 लाइंस लिखनी होती हैं अपने ब्रांड या अपनी सर्विसेज के बारे में या अपनी पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो अब हम इसके लिए ना चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं चैट जीपीटी से 2 लाइंस लिख पा लेती हूँ। ओके, इसने डिजाइन लिख दी है वेलकम टू। अभी हम अपने एजेंसी का हमने नेम लिखना है, वेलकम टू डिजिटलाइज रेडियो, डिजिटल प्रेजेंस मेस एक्सपर्ट स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन इनोवेटिव सॉल्यूशंस, लेट अस ग्रो टुगेदर एंड अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं ये कॉपी कर लेती हूँ और मैं यही वहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारी टेक्स्ट है ना उसका फॉन्ट बहुत अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो फॉन्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर इस फॉन्ट को प्लेस कर रही हूँ ना, तो ये फॉन्ट सिंपल ही सिंपल से एक ही फॉन्ट मतलब मैं इस लाइन को प्लेस कर रही हूँ, तो ये सिंपल फॉन्ट में ही प्लेस होगी ना, तो यहाँ पे ये बोल्ड की ऑप्शन आ रही है ना ही यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करने की ऑप्शन आ रही है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ना एक वेबसाइट बताई थी, तो आप लोगों को याद है कौन सी वेबसाइट थी? जल्दी से मुझे वेरी yyytext.com गुड। तो हम वहां पे जाएंगे, इसको चेंज करेंगे इसका टेक्स्ट का फॉर्मेट। आप भी साथ साथ अपना जो है ना टेक्स्ट अच्छा सा लिखें और उसको yyytext.com पे जाके उसको फॉन्ट अच्छा सा सिलेक्ट कर लें, कोई और फिर वहां से कॉपी करके हम पेस्ट कर लेंगे। हाँ पोस्ट में, ठीक है। अब ये देखिए मैंने जब पेस्ट किया तो ये नीचे ये सारे के सारे शो हो रहे हैं फॉर्मेट्स। हम इन पे से जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप अपना टेक्स्ट लिखिए और आप अपना अच्छा सा फॉर्मेट है फॉन्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। आई थिंक ये थोड़ा सा ना फील हो रहा है कि कुछ एक्साइटिंग सा है। ठीक है, तो मैं ये कॉपी कर लेती हूँ और इसे मैं पेस्ट कर लूंगी यहाँ पे, इसको रेज कर देते हैं और इसकी जगह डिलीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने 1 लाइन छोड़ देनी और अगर तो आपकी वेबसाइट है ना तो आपने वेबसाइट एंटर करनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगी विजिट आवर वेबसाइट, तो वो भी मुझे उसका भी फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे जाके एंटर कर देती हूँ। यहाँ फॉर मोर डिटेल्स भी आएगा। ठीक है, अच्छा माहिन पूछ रही कि हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको ना ये शुरू में के लेक्चर में बताया था कि अभी आपका नया नया बिजनेस हो ना तो वेबसाइट ना बनवाएं, क्योंकि जब हमारा न्यू बिजनेस हो पहले हमें अपना पेज ग्रो करना है और ऑर्गेनिकली उसको अपने पेज को जो है ना लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी रीच बढ़ानी है, उसके बाद हमें एड के थ्रू अपने पेज के ऊपर कुछ सेल्स वगैरह लेके आनी है। जब आपका पेज अब जो ब्रांड है ना वो लोगों को अच्छा लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हो जाए और आपका ब्रांड है वो थोड़ा पॉपुलर हो जाए ना, तब आप वेबसाइट की तरफ जाएंगे। तो
वो वेबसाइट आप किसी भी जो है ना वेबसाइट डेवलपर से बनवा सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट की जो है ना सोफे हाउसेज जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं। लेकिन जो है ना स्टार्टिंग में हमने वेबसाइट बनवाने की तरफ नहीं जाना, क्योंकि जब हम एक वेबसाइट बनवा भी लेते हैं ना उसके बाद हमने वेबसाइट की होस्टिंग बाय करनी होती है, डोमेन बाय करनी होती है, और हर ईयरली चार्जेस पे करने होते हैं उस डोमेन और होस्टिंग दोनों पे। तो एक तो आपको वेबसाइट बनवाने के पैसे अलग से देने होते हैं, उसके बाद हर साल के बाद आपको अपनी वेबसाइट की होस्टिंग और उसके जो है ना डोमेन उसके भी पैसे देने होते हैं। तो आपको ये खर्च ये जो इतने एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है हम अफोर्ड ही तब कर सकते हैं जब हमारा ब्रांड जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया है और उसकी अच्छी खासी सेल्स आ रही है। तो फिर हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, तो फिर हम अपने जो है ना एक्सपेंसिव वेबसाइट के भी अफोर्ड कर सकेंगे। तो वेबसाइट हम तब बनवाएंगे, स्टार्टिंग में हमने वेबसाइट की तरफ नहीं जाना। अगर नहीं है तो स्टार्टिंग में आप वेबसाइट एंटर ही नहीं करेंगे, जस्ट आप अपना फोन नंबर एंटर करेंगे, ठीक है? ओके हमें यहाँ से ना सिलेक्ट कर लेती हूँ कोई भी स्टाइल। जस्ट मैं ये सिंपल बोल्ड वाला कॉपी कर लेती हूँ। एक ही पोस्ट में ना बहुत सारे फॉन्ट्स भी आप इंक्लूड नहीं करें उससे भी पोस्ट है ना वो अच्छी नहीं लगती। ज्यादा से ज्यादा दो फॉन्ट्स आप इंक्लूड कर लें बस बहुत है, ठीक है? मैंने पोलन नहीं डाला, वो भी मैं यहाँ से डाल लेती हूँ और उसके बाद कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा इसके बाद हम अपनी वेबसाइट लिख देंगे www.yourdiary.com। ये लिखने के बाद आपने एंटर पे क्लिक करके और फिर दोबारा से हमने स्पेस देनी है 1 लाइन की, और उसके बाद अपने अपना फोन नंबर एंटर कर देना। तो फोन नंबर का भी मुझे टैक्स जो है ना करवाना है चेंज उसका स्टाइल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन्टैक्ट अस और यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगी, ठीक है? मुझे फोन नंबर भी यहाँ पे एंटर कर देती हूँ मैं। हाँ कॉपी नहीं हुआ था, कॉपी कर रहे थे वैसे। ठीक इसके बाद हमने एंटर प्रेस करना, और अब आपने फिर 1 लाइन की स्पेस देके और हैशटैग इंक्लूड करने हैं। हैशटैग में वो वाले कीवर्ड आपने इंक्लूड करने हैं जिन कीवर्ड से लोग आपके जो सर्विसेज पे आपके जो ब्रांड है ना उससे रेलिवेंट कुछ भी सर्च कर रहे हो, ठीक है? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड से लोग सर्च कर रहे हैं हमारी टाइप के सर्विसेज या हमारे टाइप के ब्रांड की चीजों को, ठीक है? तो उसके लिए ना एक वेबसाइट है h.bdir.in, ठीक है? ये वेबसाइट हमने सर्च करनी है अपने क्रोम पे। अच्छा अगर तो आप लोगों ने ना एड ब्लॉकर अपने किया हुआ है ना अपने क्रोम में इंस्टॉल, तो वो इसके ऊपर एड्स को अलाउ नहीं करेगा। तो ये वेबसाइट आपसे कहेगी कि एड ब्लॉकर जो है ना वो हमें जो अलाउ नहीं कर रहा, तो आप मुझे एड्स जो है ना वो अलाउ करें फिर ही ये आगे चलेगी। तो आपने ना एड ब्लॉकर को यहाँ से ओपन करना है और यहाँ से कर देना है पोज, इस पेज इस साइट के ऊपर पोज करना है, ठीक है? और यहाँ से अलाउ एड्स पे क्लिक कर देना, उसके बाद रिफ्रेश पेज, ठीक है? तो अभी आपका पेज वर्किंग में हो जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस पेज के ऊपर अपनी जो भी आपकी सर्विसेज हैं या फिर जो आपका ब्रांड है उससे उसका जो कीवर्ड है मतलब वो हमने एंटर करना है। जैसे मैं हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंटर करूंगी, ठीक है? और अगर आप लेडीज अपेरल की जो है ना वो सेल आउट कर रहे हैं, तो आप लेडीज अपेरल या क्लोथिंग इस तरह के कोई कीवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है?
तो लेकिन ना कीवर्ड्स के दरमियान आपने कोई भी स्पेस नहीं देंगे, अगर आप कोई तो स्पेस प्रेस नहीं करेंगे ना, यहाँ पर स्पेस शो नहीं होगी, इकट्ठा ही दिखा जाएगा पूरा कीवर्ड, तो हमने परेशान नहीं होना स्पेस क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे स्पेस आती ही नहीं है जो है ना इसकी सर्च बार में, तो आपने उसको उस पर परेशान नहीं होना, आपने जस्ट एंटर कर देना, चाहे स्पेस नहीं भी आ रही तो भी ये आपको सही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख लेती हूँ। अच्छा चाहे तो मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी लिख सकती हूँ, खाली डिजिटल मार्केटिंग भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो लोग मेरे पेज के ऊपर से सर्विसेज लेना चाहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहेंगे, उन्हें खाली डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट होगा और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख के खाली सर्च कर लेती हूँ, फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर लिख के तो भी सर्च कर लूँगी, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब ये जो पेज है ना आपको 3 टाइप्स के रिजल्ट शो करता है, एक तो इसने ऊपर 2 बॉक्सेस शो किए हैं, ठीक है, और एक इसने ये नीचे वाला बॉक्स शो किया है। अब जो नीचे वाला बॉक्स है ना, इसमें वो 10 जो बेस्ट हैशटैग जो इस टाइम जो सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे या फिर टिकटॉक वगैरह पे, इनसे जो सबसे ज्यादा सर्च आउट होने वाले इस टाइम हैशटैग्स हैं, जो सबसे पॉपुलर हैशटैग्स हैं, वो हमें ये नीचे दे रहे हैं, और इसमें वो परसेंटेज भी बता रहा है कि 100% जो है ना डिजिटल मार्केटिंग जो है ना 100% लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा ये सर्च आउट हो रहा है। उसके बाद 83% जो है वो मार्केटिंग सर्च हो रहा है और 73% सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो और इसके बाद जो ऊपर वाले जो 2 बॉक्सेज है ना, इसमें वो ये आपको वो वाले हैशटैग्स बता रहा है जो कि लोग इंस्टाग्राम पे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो बेस्ट जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो कि इस टाइम इंस्टाग्राम वगैरह पे सर्च आउट हो रहे हैं, वो इसने ऊपर वाले 2 बॉक्सेस में आपको शो कर दिए। तो आपने क्या करना है कि पहले तो जो सबसे जो पहला हैशटैग होता है ना, हमेशा आपके अपने फेसबुक के पेज के पेज नेम होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। यहाँ पे जो फर्स्ट हैशटैग है ना आपका फेसबुक पर जो पेज का नेम है ना, आपने वो एंटर करना है। तो मेरा पेज का नेम डिजिटलाइज था, मैं वो एंटर कर दूंगा, ठीक। उसके बाद हमने स्पेस देनी और फिर नेक्स्ट हैशटैग एंटर करना है। अच्छा कुछ जो है कीवर्ड्स है ना, आपने हैशटैग में जनरल ऐड करने और कुछ स्पेसिफिक आपकी सर्विसेज या आपके ब्रांड से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। जैसे अब मेरे जो हमारी सर्विसेज है वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की है, लेकिन इसके जो है जनरल कुछ कीवर्ड्स होंगे जो कि इस कैटेगरी में हर चीज को जो है ना इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा मतलब उनको देख के हमें फील होता है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में जितनी भी सर्विसेज आ रही है ना, वो सारी की सारी इस एक कीवर्ड्स के जरिए हमें शो हो रही है, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो भी हम इसी वेबसाइट पे पहले देखेंगे जो कीवर्ड्स शो हुए हैं ना, इनमें से जो जनरल वाले कीवर्ड्स है ना वो फाइंड आउट करेंगे पहले हम, ठीक है। ओके अब ये देखें, अब यहाँ पे ना पहले तो आप ये जो टॉप 10 शो हो रहे हैं इसमें से देखें कोई जनरल कीवर्ड है तो हम वो लिख लेंगे। ये जैसे ये देखें बिजनेस, अब ये जो बिजनेस है ना, इसमें अगर कोई बिजनेस लिख के सर्च कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि उसको अपना बिजनेस हो और उसको प्रमोट करना चाहता है, तो उसके लिए वो एडवर्टाइजिंग भी करवाना चाहेगा अपने बिजनेस की, और इसके अलावा वो अपने बिजनेस के लिए अच्छे ग्राफिक डिजाइनर से ग्राफिक कुछ इमेजेस भी क्रिएट करवाना चाहेगा, और वेबसाइट भी हो सकता है वो डेवलप करवाना चाह रहा है। तो मतलब सारी सर्विसेज जो है ना वो इस एक कीवर्ड के जरिए ही के अंदर ही आ जाती है। इसके अलावा ब्रांडिंग, कि अगर कोई शख्स ब्रांड ना ब्रांड बनाना चाह रहा है तो उसमें भी उसको डिजिटल मार्केटिंग की सारी सर्विसेज भी चाहिए होंगी, ठीक है। तो इस तरह के जो जनरल कीवर्ड है ना, हम 5 जनरल कीवर्ड ऐड करते हैं, और जो 5 है ना वो टॉप जो 10 डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के हैशटैग्स आ रहे होते हैं इनमें से 5 एंटर कर देते हैं, और 5 ऊपर वाले एक बॉक्स में से और 5 नीचे वाले बॉक्स में से, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके 21 या 22 कीवर्ड्स होने चाहिए, हो जाएंगे तकरीबन, होने भी इतने चाहिए, बहुत ज्यादा भी कीवर्ड्स आपने एंटर नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि फिर वो फेसबुक कंफ्यूज हो जाता है कि बहुत ज्यादा
बॉस उसको कीवर्ड्स दे दे देते हैं ना कि ये भी करो वो ये भी, तो बहुत ज्यादा सारी डिफरेंट डिफरेंट हम कीवर्ड्स दे देंगे, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि इस वाले टाइप के ऑडियंस को मुझे दिखाना है या इस टाइप वाले को, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा और कीवर्ड्स भी एंटर नहीं करने, जस्ट 20 तक हो जाए या 21, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जो मैंने देखा अभी एक ब्रांडिंग और बिजनेस में ये वाला कर लेती हूँ। पहले तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ, अच्छा आपने कीवर्ड लिख के आगे स्पेस देनी है, ठीक है। तो फिर हैशटैग लिख के फिर नेक्स्ट कीवर्ड। अब आप लोग भी साथ साथ अपने फाइंड आउट करें और वो भी लिखते जाएंगे। ओके बिजनेस ब्रांडिंग भी हो गया। अब मैं ऊपर वालों में से देखती हूँ कुछ अगर मुझे जनरल मिल जाए तो मैं वो भी इंक्लूड कर दूंगी। जैसे ई कॉमर्स है और ये भी मैं ऐड कर देती हूँ, और ये सिंपल ब्रांड है ये भी कर दूंगी। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग कर देती हूँ क्योंकि हर तरह की एडवर्टाइजिंग इसमें आ जाएगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, ठीक है, सब कुछ। तो मैंने अभी कौन कौन से मैंने सेलेक्ट किए थे, ब्रांड और बिजनेस, ठीक है। बिजनेस आई थिंक मैंने इंक्लूड कर दिया। और स्टार्टअप भी अच्छा कीवर्ड है, फिर जो बिना न्यू स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं उनको भी ये चाहिए होती है डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टअप के लिए। ओके अब हमने जनरल कीवर्ड्स 5 ऐड कर लिए, एक तो हमारे पेज का नेम है, इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 5 जनरल कीवर्ड हो गए। इसके बाद हम अपनी सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड एंटर कर देंगे, ठीक है। तो उसमें से आप चाहे तो पहले तो नीचे वाले में से लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाले में से भी एंटर कर दीजिएगा। तो इसमें एक तो अच्छा आपने ना मिक्स कीवर्ड लेने, ये नहीं कि जो सबसे ज्यादा सर्च होने वाले जैसे 100% कीवर्ड बस वो ही लें, जो थोड़े कम सर्च हो रहे हैं वो भी आप कर लें ऐड, ताकि हर तरह के ऑडियंस को जो है ना फेसबुक फेसबुक शो करे आपकी पोस्ट। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी हम कर लेते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद में कॉल करिए। अच्छा सॉरी, ये जो कीवर्ड है ना इनमें स्पेस नहीं हमने देखी, स्पेस पे लिखी है, ठीक है, मैंने गलती से एंटर कर दिया स्पेस।
इसमें एक एंटरप्रेन्योर का कीवर्ड भी है, ये वो लोग हैं जो कि दूसरों को अब कोई भी वर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को भी जरूरत हो सकती है एड्स की, तो मैं ये भी कर देती हूँ। इसमें एक ऑनलाइन मार्केटिंग का वर्ड भी आ सकता है और वेबसाइट का भी, ठीक है। मार्केटिंग एजेंसी भी कर लेते हैं और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, आप हमारे कितने हो गए हैं? 5 जनरल की कोर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये 3 और ऐड करेंगे तो ये 5 5 दोनों कैटेगरी के हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको स्टूडेंट से बताया था कि ना जरूरी नहीं कि अभी वहाँ पे बस एक ही चीज लिखे, तो उसी के रिलेटेड ही सर्च आउट करके हैश टैग एंटर कर दें। अब जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिख के कर लिया ना, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख के तो एक वो सर्च कर लेते हैं, कुछ उसमें से भी ऐड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेरे फील्ड से रिलेटेड है। एक सिंपल मार्केटिंग भी उन्होंने दिया हुआ, वो भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, वेबसाइट हमने किया यानी पहले ये चेक करते हैं, वेबसाइट कर दिया। ओके, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये भी अच्छा कीवर्ड है, ये भी एंटर कर लेते हैं। और वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। ओके, आई थिंक हमारे पूरे हो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पूरे हो गए हमारे की बस, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना इमेज ऐड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो या वीडियो पे क्लिक करें और यहाँ से आपने जो भी इमेज क्रिएट किया है ना अपना, वो अपलोड कर दें। मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा है, मैं वो कर दूंगी, आप लोग अपना कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने हमने पिछली क्लास में काफी बनाने भी सीखे हैं और आप लोगों ने भी मुझे बना के दिखाए हैं, तो एक ही काम बार बार क्लास में कराऊंगी तो नेक्स्ट काम हमारा जो ना वो रह जाएगा। तो इसलिए मैं दोबारा से आपको क्लास में नहीं बनवा रही, आप लोगों से जो मैंने बनाया हुआ मैं वही कर देती हूँ।
ओके अब इसके बाद ना हम पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके ये देखिए हमारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा अभी आप ये चीज नोट करें कि ये जो है ना एक जो मेरा हैशटैग है ना वो ब्लू नहीं हुआ, बाकी सारे ब्लू हो गए। इसकी रीजन ये है कि मैंने हैशटैग के बाद आई थी स्पेस दे दी थी, तो स्पेस नहीं हमने देनी होती। अगर स्पेस दोगे ना तो फिर ये हैशटैग ब्लू नहीं होगा बाद में। और जब आप वेबसाइट एड्रेस लिखते हो तो वो वेबसाइट का एड्रेस जब आप उसको पोस्ट करते हो तो वो भी ये ब्लू में शो कर देता है खुद बहुत। ठीक, तो फिलहाल अगर आपसे कभी ऐसे हो जाए कि आपका एक कुछ जो है वो ब्लू नहीं हुए ना, मीन हमने हैशटैग में स्पेस दे दी थी, तो यहाँ से एडिट कर लें पोस्ट को, एडिट पोस्ट पे क्लिक करें और हैशटैग में देखें स्पेस, ये देखें मैंने दी हुई है ना, ये स्पेस रिमूव करें और फिर इसे अगेन सेव कर दें। ओके अब देखिए अब मेरे सारे ही ब्लू हो गए हैं। ठीक, तो आपने मोस्टली देखा होगा कि कुछ लोग जो ब्रांड्स की अपनी कुछ पोस्ट वगैरह की होती है ना उसके ऊपर हैशटैग्स भी इंक्लूडेड होते हैं, और इस तरह से उसके ऊपर टैक्स भी अलग से लिखा होता है, वेबसाइट्स और जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी लिखा होता है। तो ये मेनली पार्ट्स होते हैं एक पोस्ट, अच्छी पोस्ट पे। अगर आप इन पार्ट्स को जो है ना स्किप नहीं करोगे, सारे पार्ट्स अच्छे दोगे अपनी पोस्ट के, तो आपकी जो पोस्ट है वो आपकी राइट ऑडियंस तक पहुंचेगी इन हैशटैग्स की वजह से। और अगर आप इस पोस्ट के ऊपर अपनी एड रन करोगे तो फिर जो एड का जो डेस्टिनेशन है वो आपकी वेबसाइट वगैरह जो है वो आपने यहाँ पे एंटर की होगी। इसके अलावा अगर आप चाहो लोग जो है वो आपसे कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट भी कर सकेंगे। ठीक है, और सबसे जो मेन चीज है ना वो आपकी इस पोस्ट का इमेज है। जितना अट्रैक्टिव आप इमेज क्रिएट करोगे ना उतने ज्यादा लोग आपके इस पोस्ट को लाइक वगैरह लाइक करेंगे या फॉलो इस पे कमेंट्स करेंगे, क्योंकि जो चीज जो है ना कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो जो अच्छी दिखने वाली चीज है ना वही बिकेगी। तो हमें अगर अपनी सर्विसेज बेचनी है या अपने ब्रांड को भी सेल आउट करना है तो आप जितनी अच्छी वीडियो बनाएंगे या जितने अच्छा अट्रैक्टिव उसका इमेज बना लेंगे ना तो उतनी ज्यादा वो चीज सेल आउट होगी। ठीक, ओके अब आप लोग जल्दी से अपनी पोस्ट बनाएं और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें व्हाट्सएप पर। जी आप बना रहे हैं अपनी पोस्ट? यस मिस। ओके ये मीटिंग ओवर होने में ना अब 7 मिनट्स रह गए हैं, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें पोस्ट में मुझे ना व्हाट्सएप करें, और फिर इसके बाद हमारे बहुत थोड़ा सा काम रह गया तो आपको एक और लिंक सेंड करती हूँ, उसमें हम इंशाल्लाह वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं ऐसा करती हूँ मैं ना मीटिंग खुद लीव कर देती हूँ, 5 मिनट्स हैं आपके पास, उन्हीं 5 मिनट्स में मतलब मीटिंग तो कैसे खत्म होने में भी टाइम है, 6 मिनट्स हैं, तो मैं आप लोगों को 5 मिनट्स देती हूँ, 5 मिनट्स तक आप लोग कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करें, तो फिर उसके बाद 5 मिनट्स के बाद मैं न्यू लिंक भी जनरेट हो जाएगा, तो आपको फौरन से लिंक सेंड करूंगी, फिर आपको ज्वाइन कीजिएगा, हम नेक्स्ट काम करेंगे। वरना फिर 10 मिनट्स लग जाएंगे, 5 मिनट्स आपको ये बनाने में, 5 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ेगा, मीटिंग नहीं कर
जनरेट करने के लिए, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं होगा इस तरह से, मैं आपको अभी लीव कर देती हूँ, तो 5 मिनट्स के बाद दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? मैं सिर्फ, हम अपना पेज क्रिएट कर लेंगे तो उसके जी बाद हम आपको ये सारा काम इकट्ठे भेजना। जी जी भेज दीजिएगा, लेकिन ना जब तक आप लोगों का पेज क्रिएट नहीं ना होता, आप अपनी जो बॉस है ना उनके जो इमेजेस अच्छे क्रिएट करके रख लें, और इसके अलावा आप अपने जो है हैशटैग्स जो है वो भी आप पहले ही सर्च आउट करके, तो एक वर्ड की फाइल बनाए और उसके अंदर पेस्ट कर लें। जैसे मैंने आपको पोस्ट बनानी सिखाई है ना, तो इसके ऊपर देखिए मैंने ये जो ऊपर चीजें लिखी है ना, आप ये सारा कुछ इसकी जो कोट है, इसके अलावा अपना जो वेबसाइट अगर तो है तो ठीक है, वैसे आपको स्टार्टिंग में नहीं आप छोड़ दें उसे, कॉन्टैक्ट नंबर और हैशटैग, ये सारी चीजें आप अपनी वर्ड फाइल बनाएं और इसके अंदर इसी तरह से पेस्ट कर लें या टाइप कर लें, ठीक है? तो बाद में जब आप पेज बनाएंगे तो इजी होगा, वहां से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, अपने इमेजेस अपलोड करेंगे, आप फॉरन से पोस्ट कर देंगे, ठीक? और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी इस तरह हो जाएगी, बजाय इसके कि आप 1 वीक वेट करें तब तक आपको सब कुछ भूल चुका हो, फिर आप रिवाइज करें दोबारा लेक्चर में, तो इससे बेहतर है कि आप अभी साथ साथ ही काम कर लें, अब वर्ड की फाइल में ये सब कुछ बना के पेस्ट कर लें और इमेज जो है वो भी बना लें, ठीक? और मुझे अब वर्ड की फाइल बना के तो उसका जो है ना स्क्रीन शॉट वो मुझे सेंड कर दें आप लोग व्हाट्सएप पे, ताकि मैं चेक कर लूँ कि आपने सही किया है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स के ना, आपने यहाँ पे क्या करना है, जो कोड लिखे है ना कोड के बाद तो आपने ना इमोजीज एंटर करने होते हैं, तो मैं इसको मैं भूल गई एंटर करना, तो मैं इसे एडिट करके इसमें एंटर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ से कोई भी अच्छे से इमेजेस जिसको देख के लोगों को अच्छी फीलिंग आए ना वो एंटर कर दीजिएगा, और लेकिन पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं कि कहाँ पे एंटर करना है। बस दो कर दें बहुत है, बहुत ज्यादा भी इमोजीज एंटर नहीं करने, ठीक है? और इसके अलावा ना ये देख, ये नीचे आ रहा होता है कि आप जब पोस्ट कर रहे होते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जब हम कुछ अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, तो हम यहाँ पे फीलिंग्स दे सकते हैं कि वो ये फीलिंग एक्साइटेड या व्हाटएवर जो आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे देना अच्छा बेस्ट रहेगा, आप वो कर दें, तो यहाँ पे फीलिंग एक्साइटेड कर दें और यहाँ पे इमोजीज एंटर करके फिर इसे सेव कर दें, ठीक है? अब देखिए अगर आप अच्छा भी फील हो रहा है ना, क्या कोई देखेगा तो उसको आपकी पोस्ट को देख थोड़ी हैप्पी फीलिंग भी आएगी और थोड़ा एक्साइटेड भी फील हो जाएगा। ओके, अब 3 मिनट्स रह गए, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से कंप्लीट करके अपना काम मुझे सेंड करें। जी हाँ, अब हम लोग सीखेंगे कि हम अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के पेज के साथ, सॉरी इंस्टाग्राम को फेसबुक के पेज के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले तो ये देखें कि अगर हम इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक पेज से कनेक्ट कर दें ना, तो इसका हमें फायदा क्या है, हम क्यों इसको कनेक्ट करें? तो इसका बेसिक जो फायदा है ना वो ये है कि अगर आप एक मतलब कनेक्ट कर देते हैं ना अपने इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक के पेज के साथ, तब आप इंस्टाग्राम पे जब भी कुछ पोस्ट करते हैं ना, तो वहां पे फिर आपको ऑप्शन शो होगी कि आपने फेसबुक पे पर भी साथ में पोस्ट शो करनी है, तो आप वहां से उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपकी पोस्ट इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक पर भी अपलोड हो जाएगी, तो आपको दो डिफरेंट स्पेसिस पे अलग अलग जाकर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे देखा होगा कि जो ब्रांड्स हैं उनकी फेसबुक के ऊपर पेजेस भी होते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर भी उनके पेजेस होते हैं, तो उन्होंने भी अपने फेसबुक पेजेस के साथ इंस्टाग्राम जो है वो कनेक्ट किया होता है, तो आपने देखा होगा उनके इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेम पोस्ट आ रही होती है और फेसबुक पे भी आ रही होती है, तो वो भी अपने इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी इतना जो है ना ये टाइम ही ऐसा है कि हर से बहुत ज्यादा बिजी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना अलग अलग दोनों जगह पे अपनी पोस्ट करें, तो इससे बेहतर ऑप्शन उनके हर एक के पास यही है कि वो अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ना वो फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कर लें। तो इसके लिए एक हमने क्या करना है, क्रोम पे जाके हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है?
अच्छा अकाउंट ओपन करके यहाँ से हमने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और ये देखिए ये प्रोफाइल पे क्लिक कर, जब प्रोफाइल ओपन हुई ना तो इसके यहाँ पे आपका यूजर नेम शो हो रहा है, ठीक है। हमने यूजर नेम कॉपी कर लेना है यहाँ से अपने, ठीक। यूजर नेम कॉपी करने के बाद आपने अपना फेसबुक पेज ओपन करना है और इसमें एडिट पे क्लिक करना है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करें और नीचे देखें, इसके नीचे आ रहा है एडिट योर अबाउट इन्फॉर्मेशन, मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ऐड अ सोशल लिंक का ऑप्शन है, मैं ऐड अ सोशल लिंक पर क्लिक करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यूजर नेम एंटर करें, जो मैंने इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम शो हो रहा है ना, जो चीज़ हमने लिंक करनी है ना उस चीज़ का यूजर नेम अपने यहाँ पे शो कर देना, ठीक। अब देखें यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, आप व्हाट्सएप भी लिंक कर सकते हो और टिकटॉक भी, ये सारे अकाउंट्स को आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब हम इंस्टाग्राम अकाउंट को ही करें। बाकी जो सबका मेथड वो भी आपने जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो उन सभी प्लेटफॉर्म आपने कनेक्ट करना है, ठीक है, और फिर उसका यूजर नेम यहाँ पे दे देना है। तो फिलहाल हमने इंस्टाग्राम का करना है, तो मैंने जो यूजर नेम कॉपी किया था ना तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और यहाँ से मैं सेव पर क्लिक कर लूंगी। ओके, अब ये देखेंगे इंस्टाग्राम जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया मेरे पेज के साथ। अब मैं जब भी इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट करूंगी तो मैं वो पोस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर करने के साथ डायरेक्टली फेसबुक पेज पर भी कर सकती हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको एक और चीज आज सिखानी है, वो ये है कि आप अपनी मंथली पोस्ट को ना शेड्यूल कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चाहिए कि आप सुबह शाम अपना कंटेंट जो है ना वो अपलोड करें, ताकि लोग जो लोग आपके ब्रांड के बारे में सुबह शाम जब देखेंगे ना तो उनको मेमोराइज भी हो जाएगा आपका ब्रांड, और इस तरह से वो एंगेजमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने वो अब सुबह शाम जरूरी नहीं कि आप दो दो मरतबा ओपन करके फेसबुक अकाउंट को हर मतलब पोस्ट करें, बजाय इसके आप ये करें कि आप ना शेड्यूल कर लें अपनी पोस्ट को, कि ये पोस्ट मैंने इस दिन करनी है, इस टाइम पे करनी है, तो वो फेसबुक खुद ब खुद ही फिर उस टाइम पे वो पोस्ट को अपलोड कर देगा और लाइक कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक मिनट जी, ये आपका पेज ओपन हुआ है ना, तो अपने बर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आ रहा है मेटा बिजनेस सूट, इस पे क्लिक करें, ठीक है। अब इसमें आ रहा है प्लानर का ऑप्शन लेफ्ट साइड पर, ठीक है, तो आप भी प्लानर पे क्लिक करें, मैं भी कर रही हूँ। ओके, ये देखें यहाँ पे ना इसने आपको पूरे आपका जो वीक का शेड्यूल है ना वो शो कर दिया। ऊपर ये देखेंगे टैब्स हैं, एक जो सी टैब्लू शो हो रही है ना इस टाइम वो सिलेक्टेड है, तो वीक सिलेक्टेड है इसलिए कि वीक के अंदर जितने डेज है ना, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, इन सब का उन्होंने शेड्यूल मेंशन कर दिया कि इन सब के अंदर आप जिस डे में हमने जो सी पोस्ट करनी है ना वो वाली पोस्ट आप यहाँ से सेव करते हैं, उस डेट और टाइम वगैरह सेव कर दें और पोस्ट भी सेव करते हैं, तो फिर वो उस टाइम पे फेसबुक उस पोस्ट को लाइक कर देगा जिस जो उन सबने टाइम सेलेक्ट किया होगा, ठीक। और अगर मैं इसमें मंथ पे क्लिक कर देती हूँ ना, तो अभी पूरे मंथ के जो है, जैसे आपको कैलेंडर में शो हो रहे होते हैं ना डेट्स एंड डेज, तो पूरे मंथ के शो होने शुरू हो गए। अब जिस डेट पे और जिस मतलब जिस डे डे को या डेट पे आपने पोस्ट करनी है उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 जुलाई को करनी है, मैंने 9 पे क्लिक किया। अब देखेंगे आगे कि शेड्यूल कब करनी है हमने पोस्ट, 9 जुलाई को, और टाइम क्या आपने रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि 12 बजे मेरी पोस्ट लाइव हो जाए 9 जुलाई को, ठीक है, और मैं यहाँ से सेव पे क्लिक कर देती हूँ। अब यहाँ से ना आप अपने पोस्ट किस पेज पे करनी है अपना पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर और सॉरी, पेज तो वो ही आएगा जो उन सामने पहले से ओपन कर गया जिसमें प्लानर ओपन किया है, इसके अलावा आप यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने पिक्चर जो आपने अपलोड करनी है वो पिक्चर अपलोड कर दो। मैंने एक पिक्चर बना के रखी थी, मैं वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है, ये बस।
अच्छा, पिक्चर के साथ ना पिक्चर के ऊपर आप टेक्स्ट भी कुछ शो कर सकते हो, तो वो टेक्स्ट में स्टडी कर लेती हूँ। सॉरी, मैंने गिव मी 2 लाइन टेक्स्ट से नहीं बोला, तो बहुत लंबा लिखा है। ओके, अब उसने मुझे 2 लाइन्स में दे दिया, तो मैं 1 लाइन की टिकट के वहां पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, देखते हैं इसने मुझे हैशटैग से खुद ही बता दिए फाइंड करके कुछ, क्या फिर भी इंक्लूड कर दें। ठीक है, मैंने उसे बताया, मैंने फेसबुक पोस्ट कर दी है। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने आपको सिखाया ना कि सारे अपने जो से पार्ट्स हैं अपने पोस्ट के पूरे करने हैं, वो सारे पार्ट्स आप इसमें भी इंक्लूड कर दें, वेबसाइट वगैरह और फोन नंबर वगैरह। फिलहाल मैं टेक्स्ट की जो फॉर्म्स है ना वो चेंज नहीं करी, क्योंकि एक मिनट मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है, वो आप लोग खुद ही कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे ना आप और भी दिख दिया करें कि या तो वेबसाइट को विजिट करें या फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लें, कॉन्टेक्ट नंबर पे। हमने ये फोन जरूर चेंज करना है, इधर तो इसलिए नहीं करी क्योंकि हम कर चुके हैं फोन। ओके, अब यहाँ पे हमने जो मैंने जैसा होता है ना 20 हैशटैग इंक्लूड करने हैं, वो भी हमने कर देने हैं। फिलहाल मैं वहां से, जैसे मैंने होता है ना कि h.bdir.in वेबसाइट है, हमने वहां से सर्च आउट करके ठीक कर दिया, तो मैं ये सारा काम करके आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा से कर नहीं रही, मैं बस डायरेक्टली वैसे ही कर रही हूँ अपलोड। अच्छा, जब मैंने एक से ज्यादा ना थोड़ा सेम कर दिया ना एंटर, तो उसने सर्कल कर दिया कि 2 टाइम्स हो गया एंटर, ये नहीं करती।
फिलहाल बस मैं इतना ही कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको सिखाया 20 सर्च करने, कैसे करने हैं वो सारे आपने सर्च करके फिर एंटर कर देने, ठीक है? और मैं इसको करती हूँ पब्लिश, बल्कि मैंने शेड्यूल करना था, पब्लिश नहीं करना, शेड्यूल मैं कर चुकी हूँ। मैंने बता दिया कि 9 जुलाई को पोस्ट करना है, 12 बजे पोस्ट करना है, ठीक है? और यहाँ मैंने शेड्यूल पे क्लिक कर देना ताकि शेड्यूल हो जाए पोस्ट। और अब वो पूछ रहे हैं कि आपने कोई और पोस्ट करनी है शेड्यूल, या फिर वो बाद में शेड्यूल करेंगे, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं भी लेटर पे क्लिक कर देती हूँ कि मुझे अभी बस एक ही करने थे, वो मेरे करती हूँ। अच्छा, इस तरह से ना आप जिस भी डेट पे चाहे क्लिक करें, मतलब उसके नीचे थोड़ा सा क्लिक करें और शेड्यूल कर लें। अब जब आपने उस पर क्लिक किया तो ये खुद ही उसने डेट शो कर दिया, अगर टाइम शो कर दिया। आप टाइम को सिलेक्ट करेंगे किस टाइम पे आपने अपनी पोस्ट को लाइव करना है यहाँ पे। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे AM या PM नहीं आ रहा। आप दिन में करनी है या रात में करनी है पोस्ट, आपने वो कैसे पता चलेगा कि सुबह जब जो इंटरनेशनल टाइम होता है ना उसमें AM PM नहीं शो करते, उसमें जो सुबह के 12 o'clock होता है ना, उसके बाद जब दोपहर का 1 o'clock होता है, तो 1 o'clock को वो 13 o'clock में कंसिडर कर लेते हैं, यानी 12 से आगे उनकी काउंटिंग 24 तक जाती है, ठीक है? तो अगर तो आप दोपहर के 1 बजे आपने करना है तो आप 13 o'clock करोगे, ठीक है? और अगर आपने 2 बजे करना है तो आप 14 o'clock करोगे, ठीक है? मतलब आप 1 1 इंक्रीज करें 12 के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 2 बजे करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जल्दी से बताइए। दो 14 14 रखूंगी। नहीं ना, 2 बजे कर लेंगे, ठीक है? हाँ 14 करेंगे, सही बताया मुझे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलो अच्छा, मैंने सेव कर दिया। अब फिर मैं यहाँ पे वैसे ही जैसे हमने ऐड फोटो की थी, आप ऐड वीडियो कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी आप इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस जो है जिनकी वो सारी यूज कर सकते हैं, ठीक? तो अब आपकी जो असाइनमेंट है ना वो ये है। अच्छा, असाइनमेंट आपकी क्या है कि आपने एक तो मैंने आपको पहले पोस्ट बनाने का मेथड बताया ना सारा, आप लोगों ने वर्ड फाइल के अंदर ना अब पोस्ट के सारे जो पोस्ट के पार्ट्स होते हैं ना, तो कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए और वो किन वेबसाइट से आपने सर्च करना है, हैशटैग को किस वेबसाइट से सर्च करना, और फॉन्ट को किस चेंज के स्टाइल, मतलब आपने जो कोट है ना उसके फॉन्ट को चेंज करने के लिए कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, ये सारे इसकी हमने एक वर्ड फाइल बनानी है और उसके ऊपर मुझे पूरा मेथड लिख के सेंड करना है। मेथड ना लिखे, जैसे सामने ना मुझे पार्ट्स ऑफ पोस्ट है ना वो लिख के सेंड कर लिख लें, और हर एक पार्ट के लिए ना जो वेबसाइट्स यूज हो रही है, जैसे टेक्स्ट को आपने फॉन्ट चेंज करना है उसमें कौन सी वेबसाइट चेंज यूज हो रही है, और इसके अलावा हैशटैग्स है ना वो सर्च आउट करने के लिए कौन सी वेबसाइट यूज हो रही है, वो आपने उसमें लिखना है। ये आपने एक वर्ड फाइल बनानी है, ये आपके पास भी एक अगर आप लिख लेंगे ना तो आपको ये पार्ट्स याद हो जाएंगे। मैं ये मतलब ये जस्ट इसलिए नहीं करवा रही कि आप ये कोई असाइनमेंट देनी होती है इसलिए नहीं, बल्कि ये इसलिए है कि जब हम कोई भी चीज़ अपने हाथ से लिख लेते हैं ना तो उसके स्टेप्स हमें याद हो जाते हैं, ठीक है? तो आप एक मतलब इसको खुद से लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से स्टेप्स हैं, और मतलब कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपने लाते हैं अपने पोज में करने हैं, ठीक है? और इसके अलावा ना आपने पोज डिज़ाइन करनी है अपनी अच्छी सी, कैनवा पे इमेज अच्छा बनाना है और उस पोस्ट के ऊपर अच्छा सा फोंट लिखना है, उससे रेलिवेंट आपने हैशटैग्स फाइंड आउट करने हैं और अच्छा सा फोंट चूज करना है पोस्ट का, और अच्छी सी रहता है जो पोस्ट है ना वो बना के उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना। और अब आप देखें आपके पास पूरा 1 वीक है ना, तो इस वीक में ना आपने नेक्स्ट पूरे वीक की पोस्ट को शेड्यूल कर लेना है, ठीक है? मतलब आपके 6 इमेजेस बनेंगे, वो आपने इमेजेस बना के और 6 पोस्ट जो है ना 6 डेज की पोस्ट शेड्यूल करके तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना, ठीक है? हाँ जी, ओके मिस। हाँ जी, फेसबुक पोस्ट बनानी है क्योंकि हम फेसबुक का काम कर रहे हैं ना, तो फेसबुक पोस्ट ही बनाएंगे जाहिर है, ठीक है? चले, क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला, 7 मिनट्स रह गए हैं, 4 बजने में भी, 4 बजे वैसे भी क्लास का टाइम खत्म हो जाता है, हमारा आज का काम भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके कोई भी क्वेश्चंस है ना तो आप जल्दी से मेरे से पूछ लें चैट बॉक्स में, तो मैं आपको बता देती हूँ उसका। कोई भी चीज समझ नहीं आई या करते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ लें आप, ये कुछ रिवाइज करवाना है तो भी पूछ लें, 7 मिनट्स है, मैं अभी आपको रिवाइज करवा देती हूँ उसमें। नो मिस क्लियर है।
ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी मुझे बता दें जल्दी से चैट बॉक्स में। अच्छा, इंस्टाग्राम का अकाउंट कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका बना हुआ है, वो तो मुझे जरा चैट बॉक्स में मैसेज करें जिनका बना हुआ है वो। अच्छा, असाइनमेंट देखिए, आपके पास ना ये जो 2 लेक्चर्स के बाद पूरा वीक होता है, तो आप उस पूरे वीक में अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट किया गए और नेक्स्ट लेक्चर से 1 दिन पहले तक अपनी असाइनमेंट्स मुझे सेंड कर दिया गया, ठीक है। और रिकॉर्डिंग एक्चुअली ये जो लेक्चर्स होते हैं ना यूट्यूब पे अपलोड होने होते हैं, मीन्स इनके 3 डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स हमने सेव किए होते हैं, उनको मर्ज करके और उसमें जो पोजेज वगैरह वो खत्म करने होते हैं, उसके बाद फिर एडिट करके फिर यूट्यूब पे अपलोड होता है, ठीक है। तो इसमें 1-2 दिन लग जाते हैं, तो जब लेक्चर हो ना उसके बाद 1 डे तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि एडिट होना है उसके बाद ही अपलोड होना है, ठीक है। तो 1 डे वेट किया करें तो उसके बाद नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हो जाएगा अपलोड। जी, आपका अगर पर्सनल यूज वाला अकाउंट है ना इंस्टाग्राम का, तो अगर आपने बिजनेस पर्पज के लिए करना है तो या तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो, उसका नेम जो है ना वो चेंज कर लें, अपने नेम की जगह अपने बिजनेस का नेम रख लें, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह बिजनेस की लगा लें और उस पर अपलोड कर लें, जो आपके के फ्रेंड्स पहले उस पेज को लाइक करें या फॉलो करें ना, तो वो जाहिर वो पेज भी ऑटोमेटिकली वो ही रहेगा, तो आपको न्यू फॉलोइंग्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप न्यू बना लें अपने बिजनेस के लिए सेपरेट। पहले आप कोई क्वेश्चन नहीं है तो सब मुझे क्लियर का मैसेज कर दें, तो मैं मीटिंग जो है वो लीव कर देती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह कल आपसे जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 बजे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो कल 2 बजे इंशाल्लाह मिलेंगे, फिर तब तक के लिए फिर मैं वापस करती हूँ। ओके, चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह 2 बजे नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिए, तो आज का जो मैंने काम करवाया है ये कोशिश करें कि आप आज इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि कोई भूलें, ठीक है।